हाय फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, आपका भी यूट्यूब का पेमेंट आने वाला है या फिर गूगल से पेमेंट आने वाला है, कहीं भी अदर कंट्री से अगर पेमेंट आने वाला है तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ता है स्विफ्ट कोड का, जो कि अगर आप किसी अदर कंट्री से अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहते हो इसके लिए आपको स्विफ्ट कोड का ज़रूरत पड़ता है। चाहे आपका अकाउंट जो है किसी भी बैंक में हो, आपको स्विफ्ट कोड का ज़रूरत पड़ता है। अपने भारत में जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेज हैं जिसका स्विफ्ट कोड है, उन सभी ब्रांचों का लिस्ट, नाम और उनका स्विफ्ट कोड यहाँ पर पूरी डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है। अगर आपका भी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप भी किसी अदर कंट्री से पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम आप सभी के लिए अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ये वीडियो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर्स के लिए है। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड है या फिर नहीं है तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो जितने भी ब्रांच हैं इंडिया के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उन सभी ब्रांचों का नाम और स्विफ्ट कोड के साथ उनका लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो SBL टेक्निकल, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आ जाएगा आपके सामने, और आप वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी ब्रांचेज हैं और उनके स्विफ्ट कोड सभी लिस्ट में, सभी नाम के साथ और स्विफ्ट कोड के साथ वहाँ पर मेंशन किया गया है, और पूरा लिस्ट वहाँ पर PDF बनाकर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो अगर आप अपना स्विफ्ट कोड जानना चाहते हैं, आपका जिस भी ब्रांच में अकाउंट है उस ब्रांच का, वहाँ पर आप जाइए, उस ब्रांच का नाम डालिए या फिर अपने सिटी का नाम डालिए, और वहाँ पर आपके ब्रांच का अगर स्विफ्ट कोड है तो आपको वहाँ पर स्विफ्ट कोड अपने ब्रांच के हिसाब से आप सर्च करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे वहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने PDF आ जाएगा, या फिर आप ऊपर फाइल्स में जाकर सर्च करोगे, वहाँ पर आपको लिखना है SBI स्विफ्ट कोड, या फिर स्विफ्ट कोड लिखकर सर्च करोगे आपके सामने यह PDF आ जाएगा। जस्ट इसको आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है और इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, PDF में आपको अपने ब्रांच का नाम ढूंढ लेना है। जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है आप अपने ब्रांच के एड्रेस के हिसाब से या फिर अपने ब्रांच के नाम से आप सर्च करके यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको खोजने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ पर ऊपर में आपको एक सर्च का बटन दिया गया होगा, जस्ट आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करो और वहाँ पर आप अपने ब्रांच का नाम डालो या फिर अपने ब्रांच का जो एड्रेस है वो डालो, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे जानना है कि सारण डिस्ट्रिक्ट में तो स्टेट बैंक का हमको स्विफ्ट कोड चाहिए, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही सर्च करोगे तो देखो यहाँ पर हम यहाँ पर सारण करके सर्च करते हैं, सारण डिस्ट्रिक्ट में कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर ब्रांच होगा तो वो देखने को मिल जाएगा, या फिर आप पार्टिकुलर ब्रांच का अगर नाम है तो उस नाम को भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं देखता हूँ मेरे बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 2-3 स्टेट बैंक के ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने नज़दीक का जो ब्रांच है उसका एड्रेस डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं डालता हूँ महाराजगंज। अब महाराजगंज डालेंगे तो वहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका स्विफ्ट कोड यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रांच है महाराजगंज ये भी मेन ब्रांच है लेकिन इस ब्रांच का कोई भी पार्टिकुलर स्विफ्ट कोड नहीं है। तो अब हम दूसरा ब्रांच सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक सिवान में है मेन ब्रांच, तो मैं उसको सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है महाराजगंज, तो वहाँ पर मतलब जो नज़दीक है, तो महाराजगंज मेरे यहाँ से सबसे नज़दीक है। तो पहले मैंने महाराजगंज सर्च किया, वो नहीं आया। अब मैं सिवान का सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिवान डाला, NRI स्पेशल ब्रांच है सिवान का। तो यहाँ पर ये भी SBI का मेन ब्रांच है, और सिवान में जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके पास स्विफ्ट कोड है, पार्टिकुलर इसका स्विफ्ट कोड है। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा जो अकाउंट है वो है महाराजगंज का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उस ब्रांच में मेरा अकाउंट है, तो उस पार्टिकुलर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि उसके नियरेस्ट, जैसे कि देखो वहाँ पर नियरेस्ट जो सिवान है, सिवान डिस्ट्रिक्ट का जो मेन ब्रांच है NRI स्पेशल ब्रांच है, तो उसका पर्टिकुलर स्विफ्ट कोड है। तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, जिस भी ब्रांच में अकाउंट है उसके नज़दीक, देखिए उस एरिया के नज़दीक या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक उसी बैंक का कोई भी ऐसा ब्रांच है जिसके पास स्विफ्ट कोड है, तो आप उस स्विफ्ट कोड का इजीली यूज कर सकते हो। या फिर अगर मान लो आपके आसपास के किसी भी
ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप किसी अदर स्टेट में अदर स्टेट का भी स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए अपने ब्रांच में जाकर अपने मैनेजर से सलाह ले लेना चाहिए। तो मैं आपको यहीं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पार्टिकुलर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप अपने ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हो, या फिर अपने नज़दीक के बैंक है मेन ब्रांच जिसके पास स्विफ्ट कोड हो उसका आप आसानी से स्विफ्ट कोड यूज़ कर सकते हो और आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और हाँ, अगर आपका जो पैसा है वो 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में अगर क्रेडिट नहीं होता है तो इसके बाद आपको अपने ब्रांच मैनेजर से जाकर बात करना चाहिए, बैंक से सहायता लेना चाहिए। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी नॉलेजफुल रहा होगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी ब्रांचेज हैं जिनके पास स्विफ्ट कोड है तो उन सभी ब्रांच का स्विफ्ट कोड के साथ मैंने आपको PDF में लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो अगर वीडियो पसंद है लाइक करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।